हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, किस विधि से? कल्पित विधि से समांतर माध्य आप लोग कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, वर्गंताल 12/12। और देखिए, जब एग्जामिनर पूछता है तो दे देता है आपको कि कल्पित विधि से ज्ञात कीजिएगा, तो सिर्फ हमें कल्पित विधि ही लगानी होती है वहाँ पर। ठीक है, हम लोग अगर प्रत्यक्ष विधि से सवाल लगाते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें कल्पित विधि से सवाल लगाना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, कल्पित विधि हमारी है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग देखिए, सबसे पहला काम है, पहले समझ लीजिएगा कि कल्पित विधि होती क्या है। कि कल्पित विधि कहिए आप, या कह सकते हैं लघु विधि। कल्पित विधि कहते हैं या लघु विधि भी कह देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो उसमें हमें दिया क्या क्या गया है वो चीज़ देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल, ये दिया गया है, इसको नोट करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद में हमें दी गई यहाँ पर है बारंबारता, इसे क्या कहते हैं एफ, इसको नोट करेंगे। पहले इतना काम कर लो, चलो। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 10 से 20 से दिया गया हमें, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक दिया गया है, 70 से 80। चलिए आगे देखते हैं, बारह बारह था 8 4 8 10 12, 10 4 2, 4 8 10 12 10 4 2। ठीक है, ये हमें दे दी गई बारह माता, बस हमें इतनी चीज़ दी गई है, और हमसे कह दिया गया है कि कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग ये सीख लीजिएगा कि सबसे पहले जब भी समांतर माध्य निकालना होता है किसी भी विधि से, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालेंगे, और मध्यमान क्या होता है, इसे कहते हैं एक्स, ये निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, मध्यमान किस निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था सवाल आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य के लिए, तब बताया था। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, आपको इनका योग निकालना है, उसका आधा करना है। जैसे 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 23। 23 का आधा करेंगे हो जाएगा आपका 15। ऐसे ही देखो, 20 30 कितना हो जाएगा, 50। 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 40 30 कितना हो जाएगा आपका, 70। 70 का आधा कितना, 35। अब देखो कितना अंतर आ रहा है, 10 15 10 25 10 35, ऐसे बढ़ाते जाओ, 45 10 55 10 65 10 75। क्लियर बात, ये एक्स निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी। डी क्या होता है, कल्पित। कल्पित निकालने डी वाला होता है फॉर्मूला आपका एक्स माइनस ए। अब आप कहेंगे कि ए कहाँ से आ गया ये? अब देखो, थोड़ी समझने वाली बात है, बस समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिर्फ धैर्य से समझते दोनों बात को बस। तो यहाँ समझो, पहले डी बराबर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स की तो आपको ए लाइन दी गई है, अब ए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी एक्स लाइन में से ही आपको ए मानना पड़ेगा। आप यहाँ 15 से लेकर 75 तक किसी भी संख्या को ए मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप 15 को ए माने, चाहे आप 45 को माने, चाहे 25 को माने, चाहे 35 को माने, चाहे 55 को माने, चाहे 65 को, चाहे 75 को, किसी भी को ए मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माना माना ए बराबर हमने मान लिया 15, मान लिया, चलो क्या मान लिया, 15। हमने ये मान लिया है कि ए का मान जो है 15 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे पहला ए मान लीजिए पहला, चाहे 25 मान लीजिए, चाहे 35, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब देखो, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए।
एक्स की ये पूरी लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो है 15, ये पूरी जो लाइन है आपकी ये किसकी, एक्स की है। इसमें से आपको ए माइनस करना है, ए का मान कितना है 15, मतलब आपको पूरी लाइन से 15 माइनस करके यहाँ लिख देना है। जैसे पहला 15 है, 15 से 15 घटाओगे, 15 से पहले 15 घटाओगे क्या बचेगा 0, फिर 25 से 15 घटाओगे, सभी से 15 15 माइनस करना है, जो भी हम ए मानेंगे वो एक्स वाली लाइन से माइनस करना है। हमने ए क्या माना 15, तो 15 से 15 गया 0, 25 से 15 जाएगा क्या बचेगा 10, 35 से 15 जाएगा 20, इससे 45 से 15 जाएगा 30, 55 से 15 जाएगा 40, 65 से 15 जाएगा 50, 75 से 15 जाएगा 60। हमने क्या कर दिया, ये मध्यमान से सभी में से हमने 15 15 माइनस कर दिए, तो इतना आया। 15 क्यों माइनस किए, क्योंकि हमने ए का मान माना है 15। अगर आप 25 मानेंगे तो पूरी लाइन से 25 माइनस करना पड़ेगा, 35 मानेंगे तो पूरी लाइन से 35 माइनस करना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात, चलिए आगे समझिएगा थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ इंटू डी करना है, एफ इंटू डी का मल्टीप्लाई। एफ कहाँ दिया गया, इधर दिया गया है, देखो हम उसका कलर चेंज करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो एफ दिया गया ये इधर ये है, और डी दिया गया आपको यहाँ पर, तो आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 4 का 0 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 का 0 में 0 आ जाएगा। फिर दूसरा है 8 का 10 में करना है, 8 दशमलव कितना जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 10 का करना है 20 में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 12 का 30 में, 12 तीन 36 360 हो जाएगा। फिर 10 का 40 में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसका 4 का 50 में 200 हो जाएगा, और 2 का 60 में 120 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, यहाँ पर गुणा किसका किया हमने, गुणा इसका और इसमें किया, हमने इसका इसमें किया। आपको गोला नहीं करना है, बता रहा हूँ ना, 10 का किया 20 में, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो लिखा हुआ है एफ और डी, मतलब एफ डी का मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, यहाँ पर गुणा कर लिया। अब इसके बाद में आगे कार्रवाई क्या होती है, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, समझो बात को थोड़ा सा। हमें निकालना है सिग्मा एफ का मान और सिग्मा एफ डी का मान, इतना काम करो, और इनको जोड़ना है, 0 का ये सब 0 हो जाएगा, 8 6 14 15 16 का 6 हाँ से लगा 1, 3 3 6 4 10 3 13, ये कितना हो जाएगा 1360, ठीक है। इसको जोड़ो 10 18 2 20 24 34 24 24 और 4 28 2 30 40 50, ये 50 हो जाएगा आपका जोड़ने पर, जोड़ दो सही से इसको। तो हमने क्या किया, अभी सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया था हमें, बारह बारह दी गई थी, हमने मध्यमान निकाला, डी बराबर निकाल लिया क्या आता है फॉर्मूला एक्स माइनस ए, इसको निकाल लिया, फिर एफ डी का मल्टीप्लाई कर लिया इतना, और ए माना था हमने पहले ही। अब निकालना हमें समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सी, इतने के सिग्मा एफ इतना लिखते हैं बस, इसको सॉल्व करो। ए का मान कितना आपका है, ए कितना 15 माना था हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये लिखेंगे ए का मान 15 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी लिखा हुआ है यहाँ पर 1360, और बटे में देखो सिग्मा एफ एफ कितना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 50 50 लिखेंगे, क्लियर बात। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लगाते हैं ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पर 15 का 15 लिखेंगे प्लस ये 5 से भाग करेंगे 136 में, यहाँ पे लिख लो 136/5, 5 से भाग करो, चलो 5 2 10 3 6 36 हो गया, 5 7 35, 1 5 2 10 27.2, और 15 में 27 जोड़ो तो कितना जाएगा 42, तो हो जाएगा आपका 42.2, ठीक है 42.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य निकालते हैं कल्पित विधि से, कल्पित विधि से निकालने का तरीका था, तो इस टाइप से ही हम लोग कल्पित विधि से समांतर माध्य निकाल लेते हैं, यही तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल को टाइप करके जरूर भेज दें, ताकि आपके सवाल का भी सलूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर साइंस की आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी, उसमें आप लोग साइंस की एक बेहतर से तैयारी कर सकते हैं।
और अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जो भी टॉपिक आपको नहीं अच्छे तरीके से आता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट।